खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉरपोरेट टूर तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी कांग्रेस के महिलाओं से किए चुनावी वायदे की, लोकसभा चुनाव में जीते परिवारवाद की और सपा के विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, राष्ट्रपति को सौंपी समर्थक सांसदों की लिस्ट। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुना। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था जिस पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने वाले सांसदों की लिस्ट भी सौंपी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 14 जून को होगी पेशी। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई हुई। के कविता की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई ने दायर किया पूरक आरोप पत्र। सीबीआई ने आज कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। वहीं के कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने उसकी हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों की बाईपास सर्जरी कर दी, एनडीए की बैठक पर जयराम रमेश का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बैठक को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की संसदीय कमेटी की बैठक नहीं हुई पर एनडीए ने एक तिहाई प्रधानमंत्री पहले ही नियुक्त कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने भाजपा के सांसदों की बाईपास सर्जरी कर दी है। बाजार में 4 जून को हुए नुकसान की भरपाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, निफ्टी 23,250 पार। शुक्रवार को शेयर ने पूरी ताकत के साथ वापसी की। दोनों सूचकांक 4 जून के सभी नुकसान को पाटने में कामयाब रहे, जहां हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,618 अंक चढ़कर 76,693 के स्तर पर पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी 468 अंक मजबूत होकर 23,290 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो ये तो थी हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एनडीए के दो नेताओं की काफी चर्चा हो रही है। एक तो है नीतीश कुमार और दूसरे हैं नायडू। नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार वो फिर पलटी मारते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी के नाम के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं और विपक्षियों पर हमलावर हैं। पहले आइए देखते हैं वायरल वीडियो। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है।
ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। दरअसल एनडीए का नेता चुनने के लिए हुई बैठक में राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव का नीतीश कुमार ने भी अनुमोदन किया। नीतीश कुमार ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करते हुए कहा, सब लोग मिलकर चलेंगे, जो काम बाकी है यानी बचा हुआ है उसे पीएम मोदी पूरा करेंगे। नीतीश के इस बयान से पीएम मोदी को थोड़ी राहत तो मिली होगी कि नीतीश बाबू इस बार पलटी नहीं मारेंगे। फिलहाल खबर अब तक में रुख करेंगे आज की प्रमुख खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव ने इस बार जिस तरह करवट ली है उसे देखकर हर कोई हैरान है। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एकजुट करने का प्रयास किया। पीडीए पॉलिटिक्स ने अल्पसंख्यकों को एकजुट रखा, वहीं ओबीसी और दलित समुदाय को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ा। इसमें उन्हें बड़े स्तर पर सफलता भी मिली। असर ये रहा कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर विपक्षी गठबंधन को जीत मिली। सबसे अधिक अल्पसंख्यक वर्ग को साधने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बड़ी रणनीति अपनाई। उन्होंने तमाम इलाकों में कांग्रेस गारंटी कार्ड पहुंचाया, जिसमें महिलाओं से कांग्रेस ने वायदे किए कि जीत के बाद हर महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए भेजे जाएंगे, यानी कि सालाना महिलाओं को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस का ये फॉर्मूला काफी हद तक कामयाब भी रहा और लालच में महिलाओं ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस को वोट दे दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस की ये गारंटी उनकी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। जी हां, चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे दिन के बाद से ही लगातार कांग्रेस कार्यालय पर महिलाएं पहुंच रही हैं और कांग्रेस से मिले अपने गारंटी कार्ड दिखाकर वायदों को पूरा करने की आस लगाए बैठी हैं। इसी के तहत बीते दिन लखनऊ में भी कांग्रेस दफ्तर में अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी उनके वायदों को पूरा करेंगे, वो चुनाव जीत चुके हैं, एक नहीं बल्कि दो दो सीटों पर वो चुनाव जीत कर अपना जीत का परचम लहरा चुके हैं। राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में महिलाओं को जीत के बाद खटाखट 8,500 रुपए 5 जून को मिलने का दावा किया था, लेकिन पैसा नहीं आया तो महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंच गईं। वे पता करने आई थी कि कैसे उनके खाते में ये पैसे आएंगे। इस बारे में कांग्रेस कार्यालय पर अधिकारियों की ओर से कुछ बताया नहीं गया। इस पर महिलाएं परेशान दिखीं। आप भी सुनिए कांग्रेस के गारंटी कार्ड को लेकर महिलाओं ने क्या कुछ कहा। लफीसा जी। अरे यही फॉर्म मतलब जब सब ले लेके जा रहे थे तो हम लोग ने पूछा ये काहे के लिए है, तो फिर बताने लगे कि 8,500 रुपए महीना आएगा, गरीबी दूर होगी, इसी उससे हम लोग आ गए। हम लोग को क्या पता। लोगों को फॉर्म मिले हैं जी? बहुत लोगों को, कम से कम कितना बढ़ गया है, और आज से नहीं बढ़ रहा ये, उस महीने से बढ़ रहा है, पहले ही से बटा है, ये पहले से बट रहा था। आपको कार्ड मिला? नहीं। क्या बताया गया है? ये कहीं था शाम को आना, तो हमने कैस ठीक है आएंगे, अब हम लोग को क्या पता था यहाँ पे आके ये होगा। तो गारंटी कार्ड में है क्या, उसमें क्या कुछ नहीं, बस यही बताया गया था कि 8,500 रुपए महीना मिलेगा, बस यही उससे सब लोग। आपको नहीं मिला? हम लोग को नहीं मिला, नसीब में नहीं था हम लोग के यहाँ। तो क्या अब देव साहब आपको बुलाया गया है, तो फिर आप जाएंगे? नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब क्या करेंगे जाके जब पता चल गया। नाम बता दीजिए। मेरा सलमा नाम है। सलमा जी, आज ये कांग्रेस मुख्यालय आप पहुंची थी, मुख्यालय पर, इसकी क्या वजह थी? ये कार्ड के लिए आए थे। गारंटी कार्ड? हाँ, बस कहा था 8,500 रुपया मेला मिलने मिलेगा, चली जाओ, तुम्हारी कुछ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमने किसके द्वारा जानकारी मिली थी आपको? ये मोहल्ले में बहुत लोग कह रहे हैं, तो हमने कहा चलो भाई, तो कोटी बंगलों से छुट्टी मिल ली, जब आप आ रहे हैं तो नहीं। तो आप लोग पहुंचे अंदर, क्या बात हुई? अंदर नहीं गए,
अंदर नहीं गए, यही गए, यहीं पे पुलिस वाले भी खड़े थे, वो कह रहे थे नहीं जाओ फॉर्म नहीं मिलेगा, फिर चले गए। भैया अपना काम देखेंगे, ये देखेंगे। क्या कुछ लोग को फॉर्म मिले हैं? बहुत लोग को मिले, कुछ लोग को नहीं मिले हैं, बहुत लोग को मिले हैं। अब उनका क्या कहना है, इस फॉर्म से क्या होगा? पैसा मिलेगा और काम होगा। कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से गारंटी कार्ड की बात कर रही थी, उस गारंटी कार्ड के फॉर्म बांटे जा रहे थे आज? जी, परसों से बांटे जा रहे हैं, हम लोग को आज मालूम हुआ। क्या आपके आस पड़ोस में किसी को फॉर्म मिला है? हाँ मिला है। क्या बताया गया उसमें? उसमें ये कहा फॉर्म भर के दे दो वहाँ जाके, फॉर्म पैसा पैसा आएगा तुम्हारे बैंक में। तो हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं हम भी। मगर अभी सरकार नहीं बनी है और किस तरह से आप कैसे? बहुत से कह रहे सरकार बन गई है, तो वही उम्मीद में हम लोग भी हैं कि सरकार बन गई है, और हम लोग को उम्मीद भी है कि ये सरकार बनेगी, ये ऊपर वाले की एक बार चांस सबको मिलना चाहिए। ये नहीं किए कि अपेक्षा है आपको कि आपको भी गारंटी कार्ड के तहत 8,500 रुपये मिले महीने के? ना मिले कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी भर कमाते आए ऐसे ही कमाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना है, थोड़ी सी परेशानी खत्म होगी तो पूरी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जाहिर है लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता कई परिवारों को गारंटी कार्ड बांटते हुए नजर आए थे, जिसमें हर गरीब परिवार से महिला मुखिया के खाते में सालाना 1,00,000 रुपए देने की बात की गई थी। राहुल गांधी के द्वारा इस गारंटी को लेकर दिए गए खटाखट वाला भाषण खूब वायरल भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर खूब माहौल बनाया गया, जिसका फायदा भी सपा और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में सपा को 7 गुना वहीं कांग्रेस को 6 गुना सीटों पर बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है और कांग्रेस को इस चुनाव में अच्छी खासी बढ़त भी मिली है, जिसके चलते महिलाएं पार्टी से अपने लिए किए गए चुनावी वायदे को पूरा करने की मांग कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के चुनावी वायदे मानो अब हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि महिलाएं कड़ी धूप में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी हैं और अधिकारी उन्हें टालते हुए नजर आ रहे हैं, कभी सुबह आने की बात करते हैं तो कभी शाम को, जिससे महिलाएं परेशान हैं। लेकिन महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस का सिर्फ एक चुनावी जुमला था जो उन्होंने चुनाव जीतने और महिला वोट को हासिल करने के लिए किया था, और महिलाएं उनके जाल में फंस गईं। अब शायद महिलाओं को समझ आ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट देकर शायद गलती कर दी है। खैर इसी के साथ खबरें अब तक में चलते हैं अगली खबर की ओर। लोकतंत्र के महामुकाबले यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान तमाम वाक्यों को लोगों के जहन में अभी भी गूंज रहे हैं, उन्हीं में से एक था परिवारवाद। जी हां, वही परिवारवाद या यूं कहें वंशवाद, ये अपने देश की राजनीति को दिन पर दिन खोखला करता जा रहा है। भारत की राजनीति में परिवारवाद इतना असर हावी है कि जनता भी मुद्दे और विकास से हटकर सिर्फ नाम पर ही वोट देती है, और ऐसा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश की। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय राजनीति में, आज परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके इटावा में सैफई के यादव परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार की है, जो उनके परिवार के 5 सदस्य एक साथ लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर इस चुनाव में यादव परिवार के सदस्य जीते हैं। इसमें खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से बाजी मारी है, तो उनकी पत्नी ने मैनपुरी से सांसद बनी है। डिंपल यादव ने फिर मुलायम सिंह यादव के परंपरागत मैनपुरी सीट को जीत लिया है। उत्तर प्रदेश से पति पत्नी दोनों ही सांसद बनकर सतन पहुंचेंगे। उनके अलावा सपा नेता और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव इस बार फिरोजाबाद से सांसद बनकर लोकसभा चुनाव पहुंच गए हैं, तो वहीं शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव के लिए बदायूं सीट छोड़ दी थी और अब उन्हें सांसद तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। रामगोपाल यादव खुद पहले से ही राज्यसभा के सदस्य हैं, वहीं अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी इसमें पीछे नहीं रहे। ऐसे में मुलायम परिवार के 6 सदस्य संसद पहुंच गए हैं, और एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजनीति में परिवारवाद की कितनी ताकत है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने इस वंशवाद की शुरुआत की है।
पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस में तो वंशवादी सदियों से चला आ रहा है, यही कारण है कांग्रेस के किसी भी नेता को राजनीति की समझ हो या ना हो उसे विरासत में सत्ता की कमान सौंप दी जाती है, जैसा कि इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में तो सबको पता ही है कि जिस तरह से वह हमेशा परिवारवाद को लेकर विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, उन पर गांधी परिवार के नाम का सहारा लेकर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। वह इस बार वानाइड और रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव जीते हैं। ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता था, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खाते में आई इकलौती सीट थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी परिवारवाद खूब चला। लालू परिवार ने अपनी दो बेटियां मीशा भारती और रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा। राजद के टिकट पर मीसा तो पाटलिपुत्र से जीत गई, पर उनकी बहन रोहिणी को सारण से हार का सामना देखना पड़ा। हालांकि लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पहले से ही पिता की बदौलत राजनीति में हैं, लेकिन इस बार लालू ने अपनी बेटियों को चुनाव में उतारा, वंशवाद की इस परंपरा को और आगे बढ़ा दिया। वो बेटी जिसे राजनीति का आर भी नहीं पता था, विदेश में पढ़ी लिखी और वहाँ रही मीशा भारती को भारत की राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही यहाँ की जनता के दुख दर्द से वो वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने पिता से उन्हें पाटलिपुत्र सीट विरासत में मिल गई, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट सिर्फ लालू के नाम पर दिया, ना कि उनके काम पर। तो वहीं महाराष्ट्र में भी परिवारवाद अछूता नहीं रहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मुंबई की कल्याण लोकसभा सीट से चुनाव जीता। शरद पवार की बेटी सुप्रिया श्वेल वारामती सीट से अपनी ही भाभी को हरा कर लोकसभा पहुंची हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारी देश की जनता और मतदाताओं को क्या हो गया। जो जनता मुद्दे और विकास को देखकर नेता को वोट देती थी, आज वो सिर्फ बड़े नेता का नाम सुनकर और उनका चेहरा देखकर अपना अमूल्य मत खराब कर रही है। या यूं कहें कि पहले क्या होता था कि नेता को देखकर वोट दिया जाता था, लेकिन आज किस परिवार से आता है ये देखकर वोट दिए जा रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या हम देश की बात करें, चाहे उसमें राहुल परिवार हो यानी गांधी परिवार हो, या यादव परिवार उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, आपने देखा है कि परिवारवाद को इस बार देश की और प्रदेश की जनता ने खूब समर्थन दिया है। अब आने वाले वक्त में ये नेता कैसे काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और इसी के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भले ही विपक्ष इस बार थोड़े अंतर से सत्ता हथियाने से चूक गया हो, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगा, खासकर समाजवादी पार्टी। जी हां, सपा ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने खास रणनीति भी बना ली है, ताकि एक बार फिर वो प्रदेश के मुखिया की गद्दी पर बैठ सकें। संगठन को चुरुस्त दुरुस्त बनाने के साथ ही बूथ स्तर पर अपने मतदाताओं को चिन्हित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर अखिलेश यादव बल दे रहे हैं। बैठक में सपा द्वारा कराए गए एक सर्वे रिपोर्ट में भी चर्चा की गई। प्रदेश की करीब 65 से 70 सीटें ऐसी हैं जिनके कई बूथों पर सपा केवल एक या दो मतों के अंतर से ही भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ी थी। उन्हीं बची हुई सीटों पर अभी से अखिलेश यादव ने फोकस करना शुरू कर दिया है, ताकि विधानसभा चुनाव में वो सीटें भी सपा भारतीय जनता पार्टी से छीन सके। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पति के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई पड़ी। अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में बैठकें कर डिंपल यादव जोर शोर से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं और अपने सांसदों को भी तैयार कर रही हैं। इतना ही नहीं, डिंपल यादव ने तो दावा भी कर दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये चुनाव लड़ा है,
मंत्रियों जो गठबंधन की जो पहली कड़ी जोड़ने का काम किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। गठबंधन नहीं हो वाला था कहीं, अब याद करिए बंगाल से लेके जब यात्रा निकल के आ रही थी, चाहे बंगाल दिल्ली पंजाब में ही गठबंधन नहीं हो पा रहा, लेकिन यूपी में आकर ही गठबंधन को गति मिली। और जिस तरह से कैंडिडेट का चयन पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया तो ये पूरी जो पूरी जीत का जो श्रेय जहां अपने नेताओं को कार्यकर्ताओं को देते हैं, राजशेखर जी का विषय सबसे सभी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मनोबल बढ़ा है और अब 2027 के चुनाव के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का स्तर जितनी तेजी से नीचे गिरा है और सपा ने उत्तर प्रदेश में जो वापसी की है उससे हर कोई हैरान है। हर किसी के जहन में सही सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर यही स्थिति रही तो सपा की सरकार बनना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले यूपी में पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 63 लोकसभा सीटें मिली थी, तो वहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 34 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी पकड़ बनानी है और 2027 का चुनाव जीतना है तो काफ़ी मेहनत करनी होगी और सपा का काट ढूंढना होगा ताकि उनका वर्चस्व कायम रहे। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नज़र डालते हैं आज की उन खबरों पर जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रहीं। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राष्ट्रपति को समर्थक सांसदों की लिस्ट सौंपी। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक नितिन त्यागी को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से बगावत की थी, इससे पार्टी को नुकसान भी हुआ था। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक व मंत्री गोपाल राय ने पत्र लिखकर नितिन त्यागी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं आज एनडीए की एक बैठक हुई जिसमें सभी दलों के शीर्ष नेता सीएम सांसदों ने भाग लिया। बैठक के बाद पीएम के नाम पर फाइनल मोहर लग गई। एनडीए ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में आज बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये मामला पिछले विधानसभा चुनाव का है जब राहुल गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोबई पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज दिल्ली के 62 अस्पतालों और नर्सिंग होम पर छापेमारी की। एसीबी के इस औचक निरीक्षण के दौरान टीम को 40 अस्पतालों में कई खामियां मिली। इसमें से 4 अस्पताल तो ऐसे पाए गए जिनके पास नर्सिंग होम चलाने का लाइसेंस तक नहीं था। वहीं कंगना रनौत मामले में एक नया मोड़ आ गया। ताज़ा जानकारी के अनुसार कुलविंदर के सपोर्ट में पंजाब के किसान का एक मार्च निकाला जा रहा है। 9 जून को किसान ये सुनिश्चित करने के लिए इंसाफ मार्च निकालेंगे कि कुलविंदर के खिलाफ कोई भी अनुचित कार्रवाई न की जाए। ये मार्च पंजाब के मोहाली में निकाला जाएगा। वहीं संसद भवन परिसर में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर घुसने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को CIF ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तीनों ने आधार कार्ड कब और कहां से बनवाए। वहीं मध्य गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर सुबह सुबह इजरायली हमले में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई। इनमें 12 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को JDS के निलंबित सांसद
प्रवल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को उनके बेटे के खिलाफ एवं शोषण के आरोप से जुड़े अपहरण के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं महाराष्ट्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल ने आज पार्टी को समर्थन दिया। विशाल पाटिल के समर्थन से लोकसभा में कांग्रेस की ताकत 100 तक बढ़ जाएगी। वहीं दिल्ली की अबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल गई। दिल्ली की राज रेवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। तो ये तो थी आज की वो खबरें जो पूरे दिन देश में सुर्खियों का विषय बनी रहीं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से करवाते हैं रूबरू। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का रोल अहम है। इसी बीच तमाम तरह की सियासी अटकलें लग रही थीं। कहा तो ये भी जा रहा था कि दोनों ही पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगी और अपने मन मुताबिक मांग रखेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार की हो रही थी, क्योंकि वो पहले से ही कई मौके पर पलटी मार चुके थे। उनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा ही था। भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा एनडीए फिलहाल आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के जनता दल के भरोसे है, जो कि नीतीश की पार्टी है। जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, तो खेल बदल सकती हैं। एक समय पर अपने दमदार शासन के लिए नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया था, लेकिन समय के साथ उन्हें एक और खिताब मिला पलटूराम का। कहा गया कि वो बार बार अपनी राजनीतिक स्टंट बदलते रहते हैं, जिधर पड़ला भारी होता है उधर ही झुक जाते हैं। इसी जनवरी में नीतीश कुमार एकदम आरजेडी और इंडिया ब्लॉक से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। वह हवा का रूप भांपकर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए में आ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोकसभा चुनाव में ये पार्टी कमाल करेगी। ऐसे में तोड़ने जोड़ने का ये सिलसिला काफ़ी समय से चलता रहा। इसीलिए चर्चाएं हैं कि नीतीश बाबू एक बार फिर खेला करते हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उन्हें अपने पाले में करने के लिए विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद भी ऑफर कर दिया। ऐसे में कहीं नीतीश बाबू का मन एक बार फिर ना डोल जाए, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है।